हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल मैगजोन पर। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने गेट 2020 के हर सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट सेक्शन और इम्पॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना मशीन डिज़ाइन के बारे में। तो मशीन डिज़ाइन आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और गेट 2020 में जो भी चीज़ें यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा अपने इस वीडियो में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट या कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाया जा सकता है। तो मशीन डिज़ाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट मिला के 10 से 12 मार्क्स तक का हो जाता है। तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स तो अपना डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईआईटी दिल्ली द्वारा जो पेपर हमारा सेट किया जाएगा गेट 2020 का, तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ पर आपको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मशीन डिज़ाइन, जैसा कि आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, एक सिंपल सब्जेक्ट ही है और इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल लेवल के ही क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ बहुत सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक आध बार कभी गेट में हुआ है कि कुछ टफ केसेस के क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजिंग सोडरबर्ग और गॉडमैन इक्वेशन। ऑलराइट, तो सोडरबर्ग एंड गॉडमैन इक्वेशन को यूज करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपको पता है कि सोडरबर्ग इज अप्लाइड फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड गॉडमैन इज अप्लाइड फॉर ब्रिटल मटेरियल। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द सोडरबर्ग इक्वेशन, 1/N इज इक्वल टू सिग्मा एम इंटू के टी अपॉन एस वाई टी प्लस सिग्मा ए बाय सिग्मा ई इंटू के एफ। तो ये आपकी सोडरबर्ग इक्वेशन है एंड इट इज यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल। और ये सबसे कंजर्वेटिव इक्वेशन या कंजर्वेटिव थ्योरी होती है जो आपको डायमेंशंस प्रोवाइड करेगी आपके किसी भी कंपोनेंट के, ठीक है। तो एन आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, सिग्मा एम मीन स्ट्रेस होता है, सिग्मा एम इज सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू, एस वाई टी इज द यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंशन, के टी इज द नॉच सेंसिटिव मतलब नॉच कंसेंट्रेशन फैक्टर होता है, सिग्मा ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्ट्रेस दैट इज सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू, सिग्मा ई इज द एंड्योरेंस करेक्शन लिमिट होती है, केफ इज द ये भी एक तरीके का कांस्टेंट होता है। तो यहां से ये आपकी हो गई सोडरबर्ग इक्वेशन। अगर हम एस वाई टी को रिप्लेस कर देंगे एस यू टी से, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, सो दिस इक्वेशन विल बी गॉडमैन इक्वेशन एंड इट इज यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। ऑलराइट, इट इज यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। अब यहां दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो या तो n कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, ठीक है, n आपको पूछा जाएगा, बाकी वैल्यूज आपको दी जाएंगी, और अगर आपको यहां पर कोई वैल्यू नहीं दी जाती टेक इट एज वन। मान लीजिए kf और kt क्या हो सकता है, वन हो सकता है, इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहां से जो सिग्मा वन है, मान लीजिए जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है या जो लार्जर स्ट्रेस है दैट इज लोड अपॉन एरिया, ठीक है, तो एरिया मान लीजिए अगर सिलेंड्रिकल हुआ तो पाई बाय 4d² सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, तो d अननोन हो सकता है, ठीक है, डायमीटर आपका अननोन हो सकता है, हो सकता है आपको n की वैल्यू दे दी जाए। तो यहां से कुछ भी केसेस बनाए जा सकते हैं, n कैन बी आस्क्ड और इफ n इज गिवन डायमीटर और डायमेंशन कैन बी आस्क्ड। तो यहां से एक केस तो ये हो गया कि यू आर एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ मीन टू द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, सिग्मा मीन टू सिग्मा एम्पलीट्यूड। तो यहां पर यह भी हो सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा मीन टू द सिग्मा एम्पलीट्यूड,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहां से आप लोगों को मिल सकता है। हो सकता है ये आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे दें और फिर आपसे पूछ लें व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा मीन एंड सिग्मा एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, तो फर्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हो गई ये कि देयर विल बी अ क्वेश्चन विच विल बी फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजिंग सोडरबर्ग इक्वेशन और गॉडमैन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे पहला। नेक्स्ट जो यहां पर सेकेंड पॉइंट हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा आपका म्यू वर्सेस जेड एन बाय पी डायग्राम। तो आपको पता है म्यू वर्सेस जेड एन बाय पी डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, ये थिन फिल्म ल्यूब्रिकेशन होता है या आपका थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा, अगर आप ये आपका अनस्टेबल रीजन है, ठीक है, ये अनस्टेबल है, ये आपका स्टेबल रीजन है, तो इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अगर आपका लोड बढ़ता है तो पावर लॉसेस बढ़ते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको जेड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर आप अनस्टेबल रीजन में है तो जेड की वैल्यू कम होगी, मतलब इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, मतलब म्यू की वैल्यू यहां पर बढ़ गई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया, तो पावर लॉसेस फर्दर आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टेबल रीजन में हैं और सेम चीज हो रही है तो लेफ्ट में जब आप शिफ्ट करोगे तो डेफिनेट सी बात है म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो म्यू अगर कम हो जाएगा तो पावर लॉसेस आपके यहां पर कम हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर इस बार एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ सकता है, देयर कैन बी वन क्वेश्चन। अच्छा, जेड एन बाई पी क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज द बेरिंग मॉड्यूलस। जेड एन बाई पी को हम लोग बोलते हैं बेरिंग मॉड्यूलस, और म्यू क्या होता है आपका, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो 10th दिसंबर से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है मिनी मैकेनिकल मसाला वाला रिवीजन। ठीक है, मिनी मैकेनिकल मसाला से हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा दैट विल बी थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा होगा थर्मोडाइनमिक्स। तो 10th दिसंबर डेट आप लोग याद रखिएगा, 10th दिसंबर से हम लोग अपना कंप्लीट रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, और जो हमारे टॉप 10 सीरीज में सब्जेक्ट छूट गए थे तो जब हम उस सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे उसी के साथ हम वहां उसकी प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको हो सकता है कि कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क इन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी फॉर फ्लैट पाइवट। ठीक है, तो फ्लैट पाइवट के केस में आप देख लीजिएगा कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद है तो तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे 70-80% आपने देखा होगा कि चीजें फॉर्मूला बेस्ड ही रहती है, मतलब 70-60% तो चीजें आपकी फॉर्मूले से आ जाती हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए, फॉर्मूला अगर आपको पता है यू विल गेट दी आंसर। तो यहां पर फ्रिक्शनल टॉर्क इन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी फॉर फ्लैट पाइवट। तो फ्लैट पाइवट में Ri इज इक्वल्स टू R और R नॉट इज इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, बस खत्म हो गए, यही यहां पर फ्लैट पाइवट में होता है। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अपना यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी में जो हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क होगा उसको निकाल लेंगे। हो सकता है रेशियो भी पूछ ले, ये चीज मैंने अपने मशीन डिजाइन के लेक्चर्स में आप लोगों को डायरेक्टली समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपको मिल सकता है ब्रेक चैप्टर में से, कंडीशन ऑफ सेल्फ ब्रेकिंग, कंडीशन ऑफ सेल्फ ब्रेकिंग self-energizing and controllable versus uncontrollable breaking। ठीक है, तो controllable versus uncontrollable breaking, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जो हमारी कंडीशन इंपॉर्टेंट होती थी कि कब हमारा कंट्रोलेबल ब्रेकिंग होगा, कब हमारा कंट्रोलेबल ब्रेकिंग नहीं होगा, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने किस पॉइंट के अबाउट उसे हिंज कर दिया। ठीक है,
तो अगर आपका एक्सटर्नल एफर्ट और फ्रिक्शनल एफर्ट दोनों का जो मोमेंट है उसका डायरेक्शन सेम हो गया तो आपका सेल्फ एनर्जाइजिंग हो जाता है, और हमें सेल्फ एनर्जाइजिंग कंडीशन ही रिक्वायर्ड होती है, सेल्फ ब्रेकिंग कंडीशन हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, तो देयर कैन बी वन क्वेश्चन विच विल बी रिलेटेड टू ब्रेक्स, स्पेशली जब आपको कंडीशंस बतानी होगी सेल्फ एनर्जाइजिंग, सेल्फ ब्रेकिंग, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल ब्रेकिंग के लिए। तो ये कंडीशंस प्योरली डिपेंड करेंगी कि आपने से किस पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखा है, 1, 2 या फिर 3। ठीक है, और अगर आपके अप्लाइड एफर्ट और आपके फ्रिक्शनल मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क आ रहा है उस दोनों का या मोमेंट आ रही है दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वो सेल्फ एनर्जाइजिंग हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें, यू मे गेट अ क्वेश्चन ऑन रेशियो ऑफ लाइफ अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, ऑलराइट, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। तो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में आपकी जो लाइफ होती है L90 लाइफ उसे कहते हैं, दैट इज सी अपॉन पीई टू द पावर के, और आपको पता है के होता है 3 and 3.33। दिस इज फॉर बॉल बेयरिंग, दिस इज फॉर रोलर बेयरिंग। ठीक है, नॉर्मली 3 ही लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में रोलर बेयरिंग नहीं दिया जाता। तो यहां से इस क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लोड को 8 गुना कर दिया, 12 गुना कर दिया, 20 गुना कर दिया। ठीक है, पीई इज द इक्विवेलेंट लोड एंड सी इज द डायनामिक लोड कैपेसिटी। तो ये दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो गई कि मतलब आपको ये रेशियो पूछ सकता है या डायरेक्टली आपको L90 लाइफ निकलवा सकता है मिलियन रेवोल्यूशंस में। ठीक है, तो मिलियन रेवोल्यूशंस में आपको लाइफ यहां पर हो सकता है बतानी पड़ जाएगी। तो ये यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया। लास्ट इसमें जो हमारा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सोमरफील्ड नंबर। ऑलराइट, कैलकुलेशन ऑफ सोमरफील्ड नंबर, दैट इज एस इज इक्वल्स टू जेड एन बाय पी इंटू डी बाय सी का होल स्क्वायर। जेड क्या होता था, जेड आपका होता था कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, एन आपका होता था आरपीएस, पी आपका होता था लोड, डी आपका होता था डायमीटर ऑफ बेयरिंग एंड सी आपका क्या होता था, डायमेट्रल क्लियरेंस। ठीक है, अच्छा एक और हम आता, ई इज इक्वल टू सी बाय टू माइनस एच नॉट। ई क्या होता था, इसेंट्रिसिटी। E हमारा होता था इसेंट्रिसिटी, एच नॉट हमारा होता था फिल्म थिकनेस एंड सी हमारा होता था डायमेट्रल क्लियरेंस। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ सोमरफील्ड नंबर के लिए। ठीक है, तो सोमरफील्ड नंबर भी आप लोगों से कैलकुलेट करवाया जा सकता है। तो इतनी चीजें जो मुझे लगा यहां पर इंपॉर्टेंट है मशीन डिजाइन में मैंने वो आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि यहां से आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा अपने पेपर में। लास्ट ईयर भी मैंने एनालिसिस किया था, उससे भी काफी क्वेश्चंस फंस गए थे, और यहां पर भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो इससे भी हमें उम्मीद है कि काफी क्वेश्चंस यहां पर फंसेंगे। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आप हमारे इस लेसन को बहुत यूजफुल फाइंड करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर 1 प्रिलिम्स का जो मतलब जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम लोग क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।